हर पार्टी के लिए बहुत सी खुशियों का दिन। ठीक है ठीक है। और मैं क्रमवार तरीके से आप सब लोगों को उससे अवगत कराना चाहूँगा जो हम लोग आज के बीच में है। श्री माधवेंद्र आजाद मौर्य जी, आपने अभी कुछ दिन पहले आजाद भारत पार्टी डेमोक्रेटिक का विलय बहुजन समाज पार्टी में किया है। आपकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा दोनों को देख करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर भाई माधवेंद्र आजाद जी को उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी महासचिव मनोनीत किया गया है। इसके लिए हम सब इनको बहुत बधाई देते हैं। और यह पत्र जो कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी हुआ है, ये मैं अपने भाई माधवेंद्र जी को सौंपता हूँ। बहुत ही टेंस चेहरा है, एकदम मसाला नहीं है, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सूचना और आपको देना चाहूंगा। श्री कृष्ण कुमार विश्वकर्मा जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा डेवलपमेंट सोसाइटी के, आप आज अपने अनेकों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। संजय तिवारी पूर्व विधायक हैं हमारे, कमलेश जी हैं, आप लोगों ने अपने भाई को प्रेरित किया और हमारे छोटे भाई जो कृष्ण कुमार विश्वकर्मा जी हैं, यद्यपि ये बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों से मैं आस्था रखते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि मैं पूरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा और हर संभव कार्य करूंगा। इसके साथ ही जो और बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पीसी के माध्यम से, वो 14 नवंबर को राजगढ़ भवन जो कि गोलघर मैदान के वाराणसी में है, वहां पर एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया है जिसकी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी होंगी। और बहुत ही जल्दी आप लोग युवा सम्मेलन कार्यक्रम जो कि युवा संवाद के नाम से बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान होगा, उसका भी आगाज होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है। हम लोग मिशनरी ज्यादा है, राजनीतिक कम है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिवेश में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि समाज में भाईचारा हो, समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, समाज में उन्नति हो, इस प्रदेश में उन्नति हो, इस प्रदेश का विकास हो, लोगों में सुख अमन चैन सुख शांति हो और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। आदरणीय बहन जी इन सब बातों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत व्यग्र है, इसलिए उन्होंने जनपद वार विधानसभा वार इस अभियान को चला करके कि हम लोग हर हाल में 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और इस प्रदेश में जो अराजकता और अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है इसको समाप्त करके एक शांतिपूर्ण वातावरण को इस प्रदेश में, यहाँ बहुत ज्यादा आजकल आप लोग देखते हो ना हो हल्ला, ये वहां चल रहे, वो पुराने यात्रा में इतने लोग दबंग गए, ये सब नहीं, इस प्रदेश में हमेशा चैन अमन चैन रहा है, इस प्रदेश में हमेशा शांति रही है और इस प्रदेश में विकास आप लोगों ने 2007 से 12 के बीच में देखा है। उत्तर प्रदेश में जितना विकास कार्य 2007 से 12 में, आप तो सब लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा और कई लोगों ने हमारे साथ उस समय भी देखा है कि चाहे वो विश्वविद्यालयों का निर्माण हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो, चाहे इंटर कॉलेजेस का हो, चाहे बेसिक स्कूल का हो, चाहे जो भी प्रतिष्ठान हो, उनके उनका निर्माण कार्य करके लोगों को जोड़ा गया उसमें से। आज क्या हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, लेकिन शिलान्यास लोकार्पण जो होता है वो कहाँ होता है वो सब लोग जगह ढूंढते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन गया, लोकार्पण का पत्थर लग गया, लेकिन लोकार्पण कहीं लेकिन है नहीं कहीं मेडिकल कॉलेज। उसी तरह से हम लोग इसके विपरीत जाकर के 2022 से आपको एक बार पुनः कानून के द्वारा कानून का राज्य, विकास, अमन चैन और हमारे नौजवानों का जो रोजगार से अविश्वास होता जा रहा है,
उस पर विधान लगाते हुए नौजवानों को रोजगार और उनके मन में जो आत्मविश्वास खत्म हो रहा है उस आत्मविश्वास को कायम करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प पे चलने का प्रयास किया जा रहा है। युवा सम्मेलन किसके नेतृत्व में होगा? युवा सम्मेलन अभी तो हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, हमारे आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और कपिल मिश्रा जी इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि सब लोग मिलकर के इस युवा संवाद का। कपिल मिश्रा जी किस पद पर हैं? कपिल मिश्रा जी स्वयं पद है। ऐसा क्यों? आनंद जी स्वयं पद है। स्वयं पद से इन लोगों का तात्पर्य, इन लोगों का आशय ये है कि आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जो कष्ट आप लोगों का चल रहा है, जो कष्ट दिन हमारे मीडिया बंधुओं का भी चल रहा है, इन सबका संपूर्ण और स्थायी निवारण करने के लिए हमारे दोनों भाई पूरे प्रदेश में निकले। सर आप कह रहे हैं मिशन के रूप में बहुजन समाज पार्टी काम करती है, लेकिन जितने बसपा के नेता छोड़ छोड़ जा रहे हैं वो सब तो यही कह रहे हैं कि मिशन से भटक गए हैं आप लोग, तभी छोड़ना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी समुद्र है, जितने नेताओं को बात कर रहे हैं, जितने भी नेताओं की आप बात कर रहे हो, आप नाम लेना चालू करिए, उन नेताओं का बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के पहले क्या थे वो, और बहुजन समाज पार्टी में के समय जाने उनको ये कहने का पहले अपनी क्षमता का परीक्षण कर लेना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन साफ कर दिए हैं कि वो आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से, आप लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी किसी बड़े उद्योगपति के लिए नहीं है, बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के लिए नहीं है जिनका घर द्वार भरा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के लिए है जो लोगों के लिए दोनों वक्त की रोटी का मुहैया होना बहुत टफ काम है। 19 करोड़ लोगों, आपने देखा होगा अभी आया कि 19 करोड़ लोगों को अगर राशन नहीं दिया जाएगा, प्रदेश सरकार नहीं देगी तो वो शायद भुखमरी शिकार हो जाएंगे। आप लोग देखा वो फिगर आप लोग सामने आई होगी, 24-25 करोड़ हमारी आबादी है। तो बताइए राजनीतिक पार्टियों के, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के होने से क्या फायदा है जो 10-10 साल से सरकार सत्ता में हो और उनके सरकार में 19 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में राशन बांटने के ऊपर प्रयास किया जा रहा हूँ। नकुल जी, कपिल मिश्रा आपने कहा कि वो युवा शक्ति को अगुवाई करेंगे, तो क्या उनका आप इस पार्टी में भविष्य के आने वाले समय में राज्यसभा में उनके जाने की संभावना है उनके, या विधानसभा का इलेक्शन लड़ने की संभावना है, क्या भविष्य में देखते हैं जिस तरह से उन्होंने पूरी ये जिम्मेदारी संभाली अपने कंधों पर युवाओं को प्रेरित करने की? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा ना और दोबारा फिर दोहराता हूँ, इस वक्त सबसे बड़ी रक्षा अगर हमें चाहिए तो हमारे मीडिया बंधुओं को चाहिए। कपिल मिश्रा जी हम लोग की रक्षा करेंगे? यस, ये जो युवा शक्तियां हैं, अगर आप अभिषेक जी आप अपने युवा ही मानते नहीं मानते, युवा आप पत्रकार बाद में, युवा पहले हैं आप, और आज पूरे प्रदेश में कुछ मीडिया बंधुओं को छोड़ करके मीडिया जगत के साथ जो हो रहा है मुझे आप बताने का रास्ता नहीं। अभी कल आपने एक महामंत्री जी का स्टेटमेंट आपने वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना होगा वो किसी पत्रकार बंधु के द्वारा एक समाचार निकाल देने पर उसके साथ क्या क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, शायद देवरिया जनपद का है अगर जब मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो उन्होंने सब कुछ कह डाला है और मैं चाहता हूँ उसको आप लोग कदाप मत सुनिएगा, ना सुनिएगा, वो सुनने योग्य नहीं है। जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है और कपिल मिश्रा जी की बात है, तो ये दोनों नौजवान पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के आप सबकी, हमारे खासतौर से नौजवानों की आवाज को बुलंद करने काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जो नौजवान है, नौजवान अपने आप एकदम थका महसूस कर रहा है, आप कहीं किसी जनपद चले जाइए, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो उसके साथ उठाना कहा है, उसके साथ कहा जा रहा है पहले तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद कॉम्पिटिशन तैयारी करो, कॉम्पिटिशन करने के बाद जो है वो एग्जाम पास कर लो, एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू देने के बाद फिर हाईकोर्ट झेलो, हाईकोर्ट झेलने के बाद सुप्रीम कोर्ट झेलो, उसके बाद नियुक्ति पत्र पाओ, तो नियुक्ति पत्र में लिखा रहेगा कि आपको 5 साल के प्रोबेशन में नियुक्त किया जाता है, 5 साल आप नौकरी कर लीजिए तब परीक्षण होगा कि आप नौकरी के लायक है कि नौकरी लायक नहीं है, और अगर आपको उन्होंने समझ लिया कि नहीं आप नहीं है तो आपको बिठा दे भले आप कितने युवा को नौकरी मिलेगी लाखों में। मुझे एक सवाल है, आप समाजवादी पार्टी भी कहती है उद्घाटन और शिलान्यास की बात कहती है, आपने भी उद्घाटन और शिलान्यास की बात कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा कि जनता ने उन्हें चुना है और ऐसे में जो पूर्व सरकार के काम होते हैं उनको मौजूदा सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा, और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, तत्व प्रक्रिया है, ये ऐसा प्रक्रिया में होता रहता है,
तो ऐसे में जो 2022 का चुनाव है और ऐसे में इस तरह की चीजें कहना, क्योंकि अगर आने वाली सरकार किसी और पार्टी की होगी तो जो पूर्ववर्ती सरकारों में काम किए, उनको जाहिर सी बात है वो काम करते हैं। देखिए, इसके उत्तर में तो हम सबसे पहले कहले कि महोदय को जनता ने कदापि नहीं चुना है और वो ऊपर से ला करके बैठा दिए गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पश्चात ही वो सारी मान मर्यादा और वो सब भूल गए। उन्होंने सबसे पहले तो यही बताया कि राह चलते रहो, जहां भी कोई टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ जाए तुम उसको ठोक दो। सबसे पहला उन्होंने जो संदेश दिया इस प्रदेश के लोगों को कि इस प्रदेश में अब कानून का राज नहीं चलेगा, इस प्रदेश में वही चलेगा जो वो कहेंगे। उनको ये लग गया कि फला आदमी हमारे खेमे से नहीं है तो उसको तुरंत उठाकर ठुकवा देंगे और ठुक देंगे। तो अब ये सब आप लोगों ने देखा, मुझे कुछ नई बात, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, नई बात आप सुने। और जहां तक जो 2022 में सरकार आएगी, 2022 में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार आएगी, और 2022 में हम लोग आपको दिखाएंगे कि वास्तव में विकास कैसे किया जाता है, नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाता है, प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम होता है, और वही कानून का राज जो आपने 2007 से 12 के बीच में देखा वो आपको 2022 में दिखाई पड़ेगा। वहां पर किसी को ठोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नकुल जी, जिन्ना को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही, समाजवादी पार्टी तारीफ कर रही कि जिन्ना देश की आजादी के नायक थे, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो बंटवारा ना होता देश का, बहुजन समाज पार्टी की क्या राय है जिन्ना? राम गोविंद चौधरी जी का इंटरव्यू किया है, इस प्रश्न मेरा उत्तर से भी है कि ये प्रश्न जो है उन्हीं दोनों के बीच में रहने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी हम आप सब लोगों को लेकर साथ चल रहा है। जिन्ना को क्या मांग? हम लोग उनको देखिए, वो नाम जो हमारे लिए एकदम से ऑब्सोलीट है, उन नामों पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्सोलीट यानी डिलीट है, तो कोई बात कर लेंगे कांग्रेस का 50 साल पहले का, कांग्रेस का 60 साल पहले का, कांग्रेस का 25 साल। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप 2014 के बाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप 2017 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 2014 के पहले इस देश में क्या था? कम से कम हर चीज बिक तो नहीं रही थी। आज तो हर चीज में, तो एयरपोर्ट में अभी 2-3 दिन पहले जाने का मौका मिला, एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर गाड़ी खड़ी कर दी स्टैंड में, और 25 में बाद निकले तो भैया 150 रुपए। तो हमने किस बात के, उनका साहब देखिए ये मशीन लगाया और आपका ही हो गया। तो इस तरह से लोगों की आमदनी कराई जा रही है और हमारी आपकी गरीबी को बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी रोक विराम लगना चाहिए। एक अंतिम सवाल है आपसे कि आपकी जो पार्टी, क्योंकि आपने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया, प्रबुद्ध वर्ग का, और आपने संदेश दिया कि पुराना जमाना 2007 वाला कि ब्राह्मण आपके साथ आए, तो बड़ा आप लोगों ने तगड़ा मैसेज दिया है, तो क्या आने वाले वक्त में 2022 में 27 में 32 में कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी की ओर से ब्राह्मण सीएम बन जाए? जो जिस सवाल के जवाब लायक हम हैं वो उतने सवाल बहुत बढ़िया है। अब आप अभी सीएम बात कहोगे, हमको पता, हमको 24 घंटा भगवान प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन जी 2022 में सीएम बने और 2024 में पीएम बने। और उसके बाद देखिए अमृत हरियाणा तो आप भी क्या है ना, हम भी करके आए हैं, 55 के करीब हम भी हो गए, अभी ठीक ठाक एज होगी, आगे भी 40 तो वही करेगी। अरे अब जब तक मुझे आपको पूछवाना ही जानते हैं। नकुल जी, एक सवाल है कि जब 4.5 साल पूरे हो गए हैं तब आपको भी राम मंदिर की याद आई है, आप प्रबोधन सम्मेलन यानी हिंदुओं की याद आई है, इसके पहले 4.5 साल कहाँ थे, ऐसा बीजेपी का कहना है। साफ तौर से आपने भी प्रबोधन सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से कर दी, और कहीं ना कहीं 4.5 साल की समय की बात कही जाए तो उस समय बीजेपी सवाल करती कि वो 4.5 साल और कहाँ थे, समय कहाँ। देखिए पंडित जी, आप भी यहीं पर थे, हम भी यहीं पर थे। 2019 में क्या पोजिशन थी इस प्रदेश की आपको मालूम है, 2020 में क्या पोजीशन थी भी आपको मालूम है, 2021 में भी अप्रैल मई जून में क्या पोजीशन थी। सभी लोगों का इस प्रदेश में ये कंपटीशन लग गया था कि देखो जान किसी किसी बच पाती है। हम सब लोग, आप भी शायद जो होंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस प्रदेश में, हो सकते हैं कुछ परसेंट लोग हों जिनके परिवार ने, जिनके लोगों ने अपने परिवार का कोई ना कोई आदमी खोया ना हो। हमारे सगे फुफाजी प्यारे हो गए कोरोना काल में, लेकिन जो कोरोना काल में अव्यवस्था हम लोगों ने देखी, जो कोरोना काल में भ्रष्टाचार देखा, जो कोरोना काल में हमने लोगों को मरते हुए देखा, लोगों को ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते रोते हुए देखा, आज तमाम अभी मैं निकल रहा था तो आधो के वो लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे वो कटआउट बनते हैं आजकल, वो जो वहां बीजेपी से बनाती है, उस वक्त पता नहीं कहां तो चली गई थी। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, ये मिशन एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के रुक नहीं रहा और रुकता नहीं है।
अब ये जब आप लोग खुश हो जाते हैं तो हम लोग छाप देते हैं, नहीं खुश होते नहीं छापते हैं। लेकिन भाजपा कहती है कि कोरोना के काल में बहुजन समाज पार्टी केवल ट्विटर पे थी। अब हम लोग बता रहे ये हमारे राकेश सोनकर जी है, ये गैस सिलेंडर ले ले घर घर घूमा करते थे हमारा कोविंद का, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, एक दर्जन तो मैं यही खड़ा कर सकता हूँ जिनको रात रात में गैस सिलेंडर के हम लोग जान बचाए। ये कि हम लोग भैया देखिए हमारे पर सबसे बड़ा अपराध क्या होता है कि हम लोग आपसे दोस्ती नहीं रख पाते, हम चाहते हैं हमारी आपकी दोस्ती हो, हम चाहते हैं दोस्ती हमारे आपकी इतनी प्रमाण हो कि हम अगर एक काम करें तो तब हम क्या हो रहा है भाई साहब। अगर सच्ची बात हिंदू किस्मत होता तो अमरनाथ में जूता पहनकर जो परिक्रमा हुई है इस प्रदेश और देश में हाहाकार मचाना चाहिए, लेकिन नहीं मच रहा। आप काशी विश्वनाथ जी के मंदिर चले जाइए, वहां जाइए आप लोग, हम तो मीडिया बंधुओं से अनुरोध करेंगे सबसे कि आप लोग जाइए काशी विश्वनाथ जी का जो जहां पर मुख्य स्थान है, जहां पर शंकर